मैं राकेश ठाकुर एडवोकेट बनी तहसील और डगर का रहने वाला हूं और डिस्ट्रिक्ट कठुआ का इलाका है जम्मू खत्े में पड़ता है ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है आज बर्फबारी हो रही है बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है पहले पिछले साल इतनी बर्फबारी नहीं हुई थी लेकिन आज इस जहां पे बहुत ज्यादा बर्फबारी है तो मैं कहता हूं कि आ, यहां पे बिजली पानी सड़क का संपर्क टूट चुका है लोगों के साथ ये इलाका सिर्फ बनी का नहीं जगर का नहीं बल्कि डंडी गुट्टू भंडार रोल का ये अपना सरथल लुआंग अपना दोले दोला का इलाका जोड़े का इलाका बाजल का इलाका ये सारा इलाका जो है इस बर्फबारी से ग्रस्त है और और मैं ये कहना चाहता हूं कि इंतजामिया को इस चीज के लिए हरकत में आना चाहिए कि पता है इस चीज का कि हर साल जहां पे बर्फ पड़ती है उस इलाके में बर्फबारी होती है लेकिन उनको छः महीने पहले अगर सड़क का और बिजली का अगर अच्छी तरीके से वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे वहाँ पे मेंटेनेंस करनी करवानी चाहिए ताकि बिजली के जो स्पेन है बहुत लंबे लंबे हैं खम्भे एक खम्बा इधर है दूसरी कोस दूर खम्बा लगाया हुआ है तो जब भी बर्फ़ पड़ती है तो वो खम्भे टूट जाते हैं कई तारें जो पेड़ के ऊपर लटकी हुई हैं तो आपने देखा ही है कि यहाँ पे सड़क का क्या हाल है बर्फ़ में सड़कें सड़कें जो लदी हुई हैं कोई क्लियरेंस के लिए कोई इंतजामिया पिछली बार आप ही के माध्यम में मीडिया के माध्यम में से मैंने बात कर रखी थी और एडमिनिस्ट्रेशन जहां पे थोड़ी हरकत में आई थी और तो बर्फ को साफ करने के लिए जहाँ पे मशीनें लगवाई गई थी मैं ये कह जरूर कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के, के पूरा इलाका पहाड़ी इलाका है जम्मू कश्मीर में जब बर्फ पड़ती है तो कश्मीर के लिए रोजगार और उनके लिए सुनहरे दिन ले आती है और वहां का टूरिस्ट वहां पे जाग जाता है लेकिन जम्मू में जब बर्फ पड़ती है वहां पे यह अभाव होता है कि यहाँ पे लाचार गरीबी और ठंड से बुरा हाल होता है लोगों का कोई इंतजामी की तरफ से कोई सहूलियतें नहीं मिल, मिल पाती हैं और वही चीजें मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर की बर्फ का रंग कुछ और होता है क्या जम्मू की बर्फ का रंग कुछ और होता है वहां पे रोजगार खोलता है और जहां पे गुरबत लाता है मैं ये इंतजामिया को ये भी कहना चाहता हूं जहाँ की एल जी गवर्नमेंट से गुहार करना चाहता हूँ कि जब तक जहाँ का सड़क संपर्क अच्छा ना हो जिन पहाड़ी इलाकों का ना तो जहाँ पे जो टूरिस्ट आएगा अब इस वक्त देखिए गुलमर्ग में जहां पे विंटर स्पोर्ट्स करवाई जाती हैं, जो बर्फ पड़ती है तो वहां पे विंटर स्पोर्ट्स करवाई जाती है स्किन कॉम्पिटिशन करवाए जाते हैं वहां पे गंडोला केबल कार वहां पे चलाई जाती है हमारे तो जहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कोई भी सड़क का संपर्क ही नहीं तो, माननीय हमारे गवर्नर साहब ने एक स्टेप लिया इनिशिएटिव लिया कि जो फिल्म इंडस्ट्रीज है जहां पे जम्मू कश्मीर में कुछ स्पॉट डिक्लेयर किए गए हैं उनको सिलेक्ट किया गया कि जहां पे फिल्म इंडस्ट्रीज वालों को ये स्पॉर्ट्स को प्रमोट करने के लिए जहां पे शूटिंग करवाई जाएंगी लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस होता है इस चीज को देखते हुए कि जम्मू खिते में डिस्ट्रिक्ट कठुआ एक बहुत सुनहरी बहुत ही खूबसूरत इलाका है लेकिन यहां की जो लीडरशिप है जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ की लीडरशिप को मैं कहता हूं कि क्या इन्होंने आज तक ये मांग नहीं रखी क्या बनी बसोली बिलावर इतना खूबसूरत इलाका क्या फिल्म इंडस्ट्रीज जहां पे प्रमोट करने के लिए यहाँ पे भी अगर अगर थोड़ा सा तो दी जाए तो ये इलाका भी हमारी पिक्चर में आ जाता है फिल्म इंडस्ट्रीज में जहाँ पे फिल्म स्पोर्ट्स वो करवाई जा सकती हैं जहाँ पे शूटिंग्स करवाई सकती है हमारी विंटर स्पोर्ट्स यहाँ पे करवाए जा सकते हैं वहां पे गंडोला कार्स करवाई जा सकती है लेकिन बात वहीं पे आती है कि जहाँ पे सड़क संपर्क इतना अच्छा नहीं है तो टूरिस्ट जहाँ पे आएगा कैसे आ, हमारे लिए बहुत शर्म की बात है सरकार के लिए भी और आ, दुख की बात है बड़े दुख से कह, कहना पड़ता है कि हमारे लोग पहाड़ी इलाके के लोग एक ही फसल के ऊपर गुजर होते हैं मक्की की वहां पे एक फसल लगती है क्या मक्की की एक फसल के ऊपर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे रोजगार नहीं है वहां पर वहां पे टूरिस्ट नहीं है और उसकी तो अपना दिनचर्या चलाने के लिए वो लोग अपनी जीवन जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तो बच्चों को पढ़ाने के लिए वो बाहरी इलाकों में माइग्रेंट लेबर का काम करते हैं वहां पे पल्लेदारी का काम करते हैं अगर जहां पे टूरिज्म जहाँ पे बढ़ाया जाए जहां पे टूरिज्म इंडस्ट्री चलाई जाए जहां पे फिल्म इंडस्ट्री जहाँ पे आए तो हम मैं सोचता हूं पल्लेदारी का काम छूट जाएगा और कहीं न कहीं जहाँ के लोकल लोगों को रोजगार भी मिलेगा